एलोवेरा जेल का लूंगी। आपके पास अगर फ्रेश प्लांट का एलोवेरा जेल हो तो वो बहुत जबरदस्त चीज है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा है रोज वाटर यानी गुलाब का रस, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप डिस्टिंग का इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा, लेकिन दोनों में से जो आपको सूट करे आप वो इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पे डिस्टिंग का इस्तेमाल करूंगी, सर्दियों में ये बहुत अच्छी चीज है ताकि हमारी स्किन ड्राई भी नहीं हो। यहाँ पे आपने आधा चम्मच इसमें ग्लिसरीन का ऐड करना है। नेक्स्ट हमने इसमें मिलाना है शहद, आधा ही चम्मच आपने इसमें शहद का मिला देना है। सभी जानते हैं कि मॉइस्चराइजिंग के लिए शहद से अच्छी चीज कोई भी नहीं है। अब इसमें हम एक चुटकी मिलाएंगे हल्दी की। जब तक मैं इसमें एक चुटकी हल्दी की मिलाती हूँ बताती जाऊँ कि इतनी सी हल्दी से आपकी स्किन येलो नहीं होगी। अगर इनके थोड़ा सा आपको पीलापन महसूस हो तो आप दूध कॉटन को दूध में भी धोके अपने चेहरे पर या स्किन पे मल लिया वो निकल जाएगा। उसके बाद इसमें एक चम्मच आपने नींबू का रस मिलाना है, और ये हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स घर के अंदर मौजूद होते हैं। इन तमाम को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब तक मैं मिक्स करूंगी आप तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो पहली दफा चैनल पे आए या मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का बटन देखिए, अगर वो सुरख कलर का है तो आप उसको क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल को भी क्लिक करिएगा। और अगर वो सुरख नहीं है दैट्स मीन कि आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये एक जेल की शक्ल में आ जाए, ठीक हो गया। अगर ये आपको बहुत ज्यादा पतला लगे तो आप इसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल और भी मिला सकते हैं, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही हो तो ज्यादा फायदेमंद है। अब साथ में आपको जब तक ये मिक्स हो रही है आपको इसके फायदे बताते हैं कि अगर आपके चेहरे पर रिंकल्स हैं उसको भी खत्म करेगी, आंखों के गिर्द हल्के हैं उसको भी खत्म करेगी, और डार्क स्पॉट्स हैं जिनके चेहरे पर ये उसको भी रिमूव करेगी। अब बताते हैं कि इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, और साथ में ये कि आप इसको फ्रिज के अंदर 10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं और फ्रिज से बाहर आप इसे रूम टेम्परेचर पर 5 से 7 दिन रख सकते हैं। आपने इस तरीके से इसको चेहरे पर अप्लाई करना है, ब्रश की मदद से करें या कॉटन की मदद से करें या हाथ की मदद से करें। इसको लगा के आपने 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। अगर आप लगा के छोड़ना नहीं चाहते तो आप 5 मिनट मसलसल मसाज कर लीजिए। ये दो ऑप्शन है, अगर आपको ज्यादा सर्दी लगती है आप इसको मुसलसल नहीं रख सकते 15 मिनट चेहरे के ऊपर, तो 5 मिनट अच्छे तरीके से अपने हाथों पे पांव पे चेहरे पे गर्दन पे जहां भी इसको अप्लाई करना चाहते हैं इसको लगा के उसके बाद नीम गर्म पानी के साथ वॉश कर दीजिए, क्योंकि ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं होता और ना ही ठंडा पानी इस्तेमाल करेगा। इससे आपकी स्किन जो है वो ड्राई डल या ब्लैक है या उस पर ब्लैक स्पॉट्स हैं ब्राउन स्पॉट्स हैं तो इंशाल्लाह ताला वो तकरीबन 5 से 7 दिन में आप वाजह तौर पर महसूस करेंगे वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे और आपकी स्किन बिल्कुल ग्लोइंग और शाइनिंग। इसको बॉयज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 16-17 साल जिनकी एज है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। वीडियो हमारी हो चुकी है खत्म, आप इसको बना के स्टोर कर लीजिए और 7 दिन तक इस्तेमाल करके मेरे साथ रिजल्ट्स को शेयर करिएगा। आज के लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि दरख्त जितना ऊंचा होगा उसका साया उतना ही छोटा होगा, इसलिए ऊंचा बनने की बजाय कोशिश करिए कि बड़ा बनिए। उम्मीद करती हूँ इस छोटे से लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपके मजीद दुआओं की और सपोर्ट की मुझे जरूरत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी वालदा के लिए भी दुआ करेंगे, मेरे लिए, हमारी फैमिली के लिए, अपने वालिदैन सेहत और खूबसूरती का भी ख्याल रखिएगा। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती।